नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी स्टाइल राजमा चावल, जो खाने में बहुत टेस्टी है। और पंजाब के ये फेमस राजमा चावल हम घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने 1.5 कप राजमा लिए थे, जिसे मैंने रात भर भिगो दिया था। अब ये अच्छे से फूल गए हैं, मैंने इनको अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। अब हम इनको उबालेंगे। मैंने छोटे वाले राजमा लिए हैं, आप बड़े वाले भी ले सकते हैं। कुकर लेंगे, कुकर के अंदर राजमा डाल देंगे। अब हम इसके अंदर तेज पत्ता डाल देंगे। मैंने 1 तेज पत्ता लिया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है और 1 गिलास पानी डाल देंगे। 1 गिलास मैंने पहले से डाल रखा है, 2 गिलास पानी हमें यूज़ करना है। नमक डाल देंगे हम 1 चम्मच और इसे अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए 2 लौंग डाल देंगे और 1 बड़ी इलायची और 1 चम्मच हम देसी घी डाल देंगे। फ्रेंड, घी डालने से जो राजमा का टेस्ट है वह बहुत ही अच्छा आता है। एक बार आप इस तरह से राजमा ज़रूर बनाएं, आपको काफ़ी पसंद आएंगे और पानी जो है वो बाहर भी नहीं निकलता है। अब हम कुकर को बंद कर देंगे और इसे 5 से 6 सीटी आने तक पका लेंगे। तब तक हम तड़का लगा लेते हैं। 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे हम। मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तेल गरम होने पे मैंने 3 प्याज लिए हैं, जिसको लंबा लंबा काट लिया है और इसे हम सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। देखिए प्याज जो है हल्के सॉफ्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर 3 टमाटर डाल देंगे। मैंने टमाटरों को भी बड़ा बड़े टुकड़ों में काट लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि टमाटर जो है बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएं और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे और वापस से इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसे ढककर पकाएंगे। 2 से 3 मिनट तक ढककर पका लेंगे। 2 मिनट बाद हम वापस से इसे चेक करेंगे, आप देखेंगे कि टमाटर जो है पहले से काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। देखिए फ्रेंड, हमारे टमाटर प्याज सॉफ्ट हो गए हैं। गैस को बंद कर देंगे, इसे ठंडा होने देंगे। देखिए ठंडा हो गया है। अब हम इसे मिक्सी जार में डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। दूसरी कढ़ाई रखेंगे, उसके अंदर 1 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर 1 चम्मच जीरे की डाल देंगे। दो पिंच के करीब हींग डाल देंगे। जब हींग और जीरा अच्छे से पक जाएगा, 1/4 चम्मच हल्दी डालकर टमाटर और प्याज का पेस्ट डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम हमें एकदम लो कर देना है। लो फ्लेम पे हम मसाले को पकाएंगे। अब हम इसके अंदर 1.5 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च डाल देंगे। फ्रेंड, ये तीखी नहीं होती पर इससे सब्जी के अंदर कलर जो है बहुत ही अच्छा आता है। देखिए मिर्ची को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर कुटा हुआ धनिया डाल देंगे। आप धनिया पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया डाल रही हूँ और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और थोड़ा सा पानी डाल देंगे जार धोकर और 1 हरी मिर्ची डाल देंगे। हरी मिर्ची को मैंने बारीक काट लिया है और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए ढककर पका लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम लो है तो फ्रेंड 3-4 मिनट लग जाएंगे, नहीं तो मसाला जो है तले पे चिपक जाएगा और अच्छे से भुन नहीं पाएगा। 3 मिनट बाद हम वापस से चेक करेंगे, आप देखेंगे मसाले पे जो है कलर बहुत ही अच्छा आया है। अब हम इसे वापस से मिक्स कर लेंगे। वापस से ढककर 2 मिनट और पका लेंगे।
क्योंकि मसाला अभी अच्छे से भुना नहीं है। इतने हम राजमा को चेक कर लेते हैं कि राजमा हमारे उबले हैं या नहीं। मैंने इसे 5 सीटी लगाई है फ्रेंड्स। राजमा को मैश कर कर देख लेंगे। देखिए ये अच्छे से उबल गए हैं। अब हम मसाले को वापस से चेक कर लेते हैं। मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब एक बार वापस से मिक्स कर लेंगे, पर मसाला अभी हमारा अच्छे से पका नहीं है फ्रेंड्स। अब हम इसे खुले में ही पकाएंगे, ढककर नहीं पकाएंगे। इसी तरह चलाते हुए पकाएंगे तब तक जब तक कि मसाला इकट्ठा नहीं होने लग जाता। जब मसाला इकट्ठा होने लग जाता है तब आप समझिए कि मसाला जो है पक गया है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच गरम मसाले की डाल देंगे। गरम मसाले को भी हम मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसके अंदर नमक डाल देंगे 1/2 चम्मच। ध्यान रहे फ्रेंड, नमक हमने प्याज भूनते वक्त भी डाला है, राजमा को उबालते वक्त भी डाला है, तो नमक याद रखकर ध्यान से डालें। देखिए अब हमारा मसाला जो है अच्छे से पक गया है, मसाला इकट्ठा होने लगा है। अब हम राजमा डाल देंगे। फ्रेंड आप राजमा का पानी ही राजमा के अंदर डालें, तभी आपके राजमा जो है टेस्टी बनेंगे। कई लोग राजमा का पानी हटाकर राजमा राजमा डालते हैं और पानी दूसरा डालते हैं, तो उससे राजमा जो का टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है, वो अच्छे नहीं बनते हैं। मैंने 1 हरी मिर्ची ली है जिसके 3-4 टुकड़े कर लंबे लंबे डाल दिए हैं। अब हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट और पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। 2-3 मिनट बाद हम वापस से चेक करेंगे। फ्रेंड अब देखिए सभी मसालों का जो फ्लेवर है राजमा के अंदर चला गया है और ये बहुत ही टेस्टी हमारे राजमा बनकर तैयार हुए हैं। 1/2 चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे। मैंने भुनी हुई कसूरी मेथी का यूज़ किया है। ये बहुत ही टेस्टी राजमा बने हैं। ये ठंडे होने के बाद फ्रेंड्स और भी गाढ़े हो जाएंगे। राजमा को गाढ़ा पतला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब हम इसे 1 मिनट और पकाएंगे ताकि कसूरी मेथी का फ्लेवर भी राजमा के अंदर आ जाए। 1 मिनट बाद हम वापस से चेक करेंगे। राजमा हमारे तैयार हो गए हैं। गैस को बंद कर देंगे। अब हम चावल बनाने की तैयारी करते हैं और इसे ढक कर रख देंगे। चावल बनाने के लिए गैस पर मैंने कुकर रखा है। गैस हमारी ऑन है। कुकर के अंदर हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा हम 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर जीरे की डाल देंगे। हम जीरा राइस बना रहे हैं तो जीरा जो है वो 1 चम्मच फुल भर के चाहिए। मैंने 1.5 गिलास बासमती चावल लिया है जिसे मैंने अच्छे से धो के साफ कर लिया है और इसे तेल के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और नमक डाल देंगे हम 1 चम्मच और नमक को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसके अंदर 2.25 गिलास पानी डाल देंगे। आप 2.5 गिलास तक पानी डाल सकते हैं 1.5 गिलास चावल में और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड मैंने सभी चावल जो है अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। पानी डालने के बाद इसमें थोड़ी गुठलियाँ बन जाती है तो वो गुठलियाँ हमें खोल लेनी है। और अब हम इसे को एकदम सफ़ेद बनाने के लिए 1/2 नींबू का रस डाल देंगे। इससे चावल का टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और चावल जो है हमारे एकदम सफ़ेद बनेंगे। और अब हम इसे ढककर हाई फ्लेम पे 2 सीटी आने तक पका लेंगे। देखिए फ्रेंड 1 सीटी लग गई है। और ये 2री सीटी भी लग गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसका प्रेशर जो है इसी के अंदर रहने देंगे। प्रेशर हमें निकालना नहीं है, नहीं तो हमारे चावल जो है वो कच्चे रह जाएंगे। तो अब प्रेशर इसी के अंदर रहने देंगे। देखिए प्रेशर इसका निकल गया है। अब हम चावल को चेक कर लेते हैं। कुकर को खोल लेते हैं।
देखिए हमारा चावल जो है एकदम खिला खिला और सफ़ेद बना है, इसे एक बार उलट पलट कर देते हैं ताकि जो चावल है वो खिला खिला हो जाए। अब हम इसे परोस लेंगे। राजमा चावल हमारे दोनों बनकर बिल्कुल तैयार है, खाने के लिए बहुत ही टेस्टी बने हैं। देखिए चावल मैंने परोस लिए हैं, अब राजमा भी हम परोस लेंगे। बहुत ही टेस्टी बना है फ्रेंड्स। आप पंजाबी स्टाइल इस तरह से राजमा चावल ज़रूर बनाएं, आपको काफ़ी पसंद आएंगे। और बहुत ही कम मसालों से मैंने इसे बनाया है, बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड। ये मसाले सभी के घरों में होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट राजमा चावल हमारे बनकर तैयार हुए हैं। फ्रेंड्स अगर आपको राजमा चावल की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। सब्सक्राइब करें अन्नपूर्णा रसोई चैनल को और बेल बटन को दबाएँ हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।